Hello guys, very good morning. Welcome to the Vedanta Education. This is class 11 science, chemistry. And as you know, structure of atom is going on and various lectures have been covered already on the structure of atom, which is covering lots of things of the structure of atom chapter. और ये जो chapter है, इसमें हमने परमाणु के संरचना के जो एटम के मॉडल्स हैं, जो उसकी संरचना को समझाने वाले स्टेप्स हैं, उनको समझते हुए हम अगले टॉपिक तक आ गए हैं। इससे पहले तक हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले डाल्टन का एक एटॉमिक मॉडल हमने जाना था कि डाल्टन ने क्या कहा है कि भैया परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग है जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में थॉमसन का मॉडल आया जो उसने क्या कहा कि भैया कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन समान रूप से बिखरे हुए हैं, उसमें कोई कमियां थी, कई सारी कमियां थी, उनको सुधारते हुए थॉमसन के बाद में क्या आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भैया परमाणु के केंद्र में केंद्रित धनावेशित भाग होता है जिसको नाभिक कहेंगे, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं जिनको न्यूक्लियॉन कहते हैं, और फिर उसके बाद में जो चारों तरफ है वो खाली अतिरिक्त नाभिकीय भाग खाली पड़ा है जिसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके भी कई सारे ड्रॉबैक्स आए, ठीक है। अब उन ड्रॉबैक्स के साथ में ही इसको समझाने के लिए फिर उसके बाद में हमारे पास आती है तरंग की प्रकृति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, ये स्पेक्ट्रम की हमने बात की। अच्छा, उसके साथ साथ हमने क्या किए थे, बहुत सारे जो हमारे ऊपरमाणविक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी खोज की भी बात कर ली थी, ठीक है। फिर हमने उसमें तरंग की बात की थी कि रेडिएशन तरंग ऊर्जा क्या होती है, मतलब कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास पदार्थ है, ठोस है, वो क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो वो तरंग के रूप में करता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि वो तरंग जो है वो क्या करते हैं, चुंबकीय और क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसलिए उन्हीं तरंगों को हमने क्या कहा था, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा था, EMR कहा था, ठीक है। उस एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी विकिरण ऊर्जा हमने कहा था। समझ में आ गई बात, हमने इस टाइप से उसको आइडेंटिफाई करके ये हमने इसमें तरंग बोला था। फिर तरंग के क्या थे, काफी सारी प्रॉपर्टीज थी, गुणधर्म थे जिसको जो तरंगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या बोला था, लैम्डा को उसका तरंग दैर्ध्य बोला था, फिर न्यू उसकी आवृत्ति बोला था हमने, ठीक है। फिर उसने हमने क्या बोला था, समय अंतराल बोला था, टी टाइम पीरियड बोला था, टी। फिर हमने उसके अंदर क्या बोला था, न्यू बार जिसको हम क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। फिर हमने उसके अंदर क्या बोला था, स्पीड की बात की थी, वेलोसिटी की बात की थी, है ना, सी या वी से लिखते हैं। ये सब चीजें क्या थी, हमने उसके अंदर आइडेंटिफाई, अच्छा उसमें आयाम की भी बात की थी, ए से हमने आयाम बोला था, एम्पलीट्यूड बोला था, तो ये सारी चीजें हमने उसके अंदर पढ़ दी, ठीक है। अब फिर एक नई चीज आती है कि भैया जो आपके पास ये रेडिएशन है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है या विकिरण है, इसमें क्या केवल तरंग प्रकृति है या कणीय प्रकृति भी है, उसके ऊपर बहस छिड़ जाती है। इस पे बहस छिड़ती है कि क्या इसके अंदर केवल तरंग प्रकृति है या इसके साथ साथ इसकी कणीय प्रकृति भी है, ठीक है। एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए मैं आपको हकीकत बताता हूं, पहले तो मैं जो एग्जैक्टली आज की डेट में है उस चीज पर बात करते हैं। जैसे क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल हमें कैसे नजर आती है, यहां से अगर उस पर शॉट पड़ता है तो वही जाती हुई नजर आती है हमें, वो क्रिकेट की बॉल ऐसे नजर नहीं आती है, ठीक है गाइस, ऐसे नजर नहीं आती। लेकिन एग्जैक्टली उस क्रिकेट की बॉल को अगर आप एक कण मानते हैं तो वो क्या है, किसी दी गई ऊर्जा के कारण यहां से यहां आ रहा है और वो ऐसे ही चलेगा। हालांकि वो क्या है, बहुत 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 ज्यादा वजन है, आप बोलेंगे कि सर बहुत 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 इतना क्यों बोल रहे हो, 350-400 ग्राम की तो बॉल होती है, इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो सर, उस इलेक्ट्रॉन के सामने इसमें बहुत ज्यादा वेट है, ठीक है, कई लाखों करोड़ों गुना भारी है, कौन, क्रिकेट की बॉल इलेक्ट्रॉन के सामने, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं कि बहुत 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 ज्यादा हैवी है। तो इस मास की वजह से, द्रव्यमान की वजह से ऐसे जाती हुई दिखती है, लेकिन होती यू है। तो अगर मैं कहता हूं कि भैया एक छोटा सा कण ले लें हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लें, तो वो तो ऐसे ही चलना चाहिए, यस ऑफ कोर्स वैसे ही चलना चाहिए। अगर फिर हम वापस इस विकिरण पे आते हैं, तो विकिरण अगर ऐसे चल रही है गाइस, तो इसमें क्या होना चाहिए, कोई ना कोई कण होना चाहिए। तो फिर वहां पे बहस छिड़ती है कि आपने विकिरण की तो
बात कर ली, तो क्या उस विकिरण के अंदर कोई कणीय प्रकृति भी है क्या? क्या मैं बोल रहा हूं, क्या उस विकिरण में कोई कणीय प्रकृति भी है क्या? इस बात की बहस चलती है और इसको समझाने के लिए हमारे पास नया टॉपिक आता है, एक सिद्धांत आता है जिसको प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ये क्या बताएगा, वो ईएमआर के अंदर विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंदर कणीय प्रकृति को समझाता है। समझ में आ रही है कहानी आप लोगों को? तो हमने उसको जोड़ दिया है। देखिए अभी तक हमने जो एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं उनसे आप इसको जोड़ सकते हो, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि भैया इसका स्पेक्ट्रम, ये ऊर्जा को क्या करेंगे, लगातार कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। फिर बहस इसी पे आई थी कि भैया फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्क्रिएट क्यों है, विविक्त क्यों है, टुकड़ों में क्यों है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऐसे आता है बच्चों। तो यही बात क्या है, यही क्या है, उसकी कमियों में भी काउंट होता है रदरफोर्ड के। तो उसको समझाने के लिए फिर क्या आई हमारे पास, विकिरण आई, विद्युत चुंबकीय तरंगें आई, और फिर उसके बाद में क्या आया, प्लैंक का सिद्धांत आया जो ये समझाएगा कि यस वाकई में किसी भी कण के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठोस के द्वारा, जैसे इलेक्ट्रॉन के द्वारा, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होने की बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी। मैक्स प्लैंक ने भी कहा था कि भैया ये घूमेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। वहीं से ये कीड़ा चल रहा है दिमाग में कि अगर कोई कण ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो क्या वो लगातार चलेगी, विविक्त चलेगी, डिसकंटिन्यूड चलेगी, है ना, टुकड़ों में चलेगी, क्योंकि टुकड़ों में स्पेक्ट्रम आ रहा है। तो दिमाग में ये था कि जरूरी टुकड़ों में चलनी चाहिए, लेकिन विकिरण हमने पढ़ा था ईएमआर, तब तो वो लगातार चल रही है रेडिएशन। तो अब उसके टुकड़ों में चलने को कौन एक्सप्लेन करता है, प्लैंक, और इसी को वो क्या कहेगा, कणीय प्रकृति, कण होंगे जब तो टुकड़ों में चलेंगे, ठीक है। चलो अब इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अच्छा, इस चीज का पता कैसे चलेगा कि भैया विकिरण जो है वो लगातार ऊर्जा जो है लगातार ही है या फिर टुकड़ों में है, विविध रूप में है, इस चीज का पता कैसे चलेगा? ये चलेगा, अभी अपन इसके अंदर बात करेंगे कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारे गुण होते हैं। देखिए मैं कहता हूं कि भैया प्रकाश के जो गुण है वो खूब सारे गुण है जो हम बोल सकते हैं कि भाई जैसे देखिए इसका ओरिजिन कैसे हुआ, प्रकाश के गुण जैसे, ठीक है ना, कुछ गुण थे जो प्रकाश के थे, जैसे व्यतिकरण, इसको बोलते इंटरफेरेंस, आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, है ना, परावर्तन, डिफ्रैक्शन, आदि को प्रकाश की विकिरण प्रकृति, ध्यान देना बच्चों, विकिरण प्रकृति द्वारा समझाया जाता है, ठीक है साहब। तो हमें ये तो समझ में आएगा कि एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में है, उसकी तरंग प्रकृति से हमें समझा दिया, विकिरण प्रकृति ये समझाती है। जैसे व्यतिकरण क्या होता है, दो रेडिएशन अगर किसी मीडियम में चल रही है ऐसे चेंज होगी तो तीव्रता जो है ना बच्चों इसकी बदल जाती है, ठीक है, इसको व्यतिकरण बोलते हैं। डिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, किसी स्लिट से, इस छेद से अगर रेडिएशन गुजारोगे तो ये क्या होती है, इनका पाथ बदल जाता है, ठीक है, ये डेविएट हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो ये जो गुण है किसी प्रकाश के, ये क्या है, उसकी विकिरण प्रकृति से समझाया जा सकता है। इसका मतलब हमें ये तो क्लियर हो गया कि उसमें विकिरण प्रकृति होती, ऊर्जा में विकिरण प्रकृति है, ध्यान देना बच्चों, विकिरण प्रकृति। अगर केवल विकिरण या तरंग प्रकृति है ऊर्जा के स्थानांतरण में तो वो एक लगातार स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही बनाएगा, विविक्त या डिसकंटिन्यूड स्पेक्ट्रम नहीं बनाएगा। और दिमाग में कीड़ा क्यों है, क्योंकि रदरफोर्ड के बाद में जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा गया तो वो विविक्त था, टुकड़ों में था, डिसकंटिन्यूड था, लगातार नहीं था। तो दिमाग में कीड़ा आया कि तरंग प्रकृति तो समझ में आती है लेकिन इसकी विकिरण प्रकृति तो समझ में आती है लेकिन इसकी कणीय प्रकृति भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कणीय प्रकृति है जब ही स्पेक्ट्रम टुकड़ों में आ सकता है, और तरंग प्रकृति विकिरण प्रकृति क्या समझा सकती है, उसकी व्यतिकरण या परावर्तन को समझा सकती है। लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रयोग है या गुणधर्म है। लेकिन देखना, किसी
ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी बॉडी का, किसी भी गर्म पिंड का, ठीक है, किसी गर्म पिंड से उत्सर्जित, फिट राइट इट आउट, देखिए किसी गर्म पिंड से उत्सर्जित ऊर्जा मान लीजिए, ठीक है, धातु की सतह से उत्सर्जित फोटॉन्स की बात अपन करते हैं, ठीक है, सतह से फोटॉन द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि जैसे ठोस की ऊष्मधारिता, ठोस की ऊष्मधारिता में परिवर्तन, ये मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, मैं लिख रहा हूं जो हमने व्यतिकरण और परावर्तन देखा उसके अलावा कई गुण है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो व्यतिकरण और परावर्तन तो हमने किससे, प्रकाश की तरंग या विकिरण प्रकृति से समझा दिया कि भैया उसमें विकिरण प्रकृति है, इसके हिसाब से वो कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन डिसकंटिन्यूड है, इसका मतलब उसमें क्या है, कड़ी प्रकृति भी है, तो इनको तो समझा दिया। लेकिन अगर कोई गर्म पिंड जो है ना, ऑब्जेक्ट, ठोस ऑब्जेक्ट है जो गर्म है, वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना और ठोस ऊष्मधारिता में परिवर्तन होना, गुणों को प्रकाश की तरंग या विकिरण प्रकृति से नहीं समझा सकते। समझ में आ रही क्या बात? तो इसके लिए फिर क्या किया, प्लांक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, इसको समझाने के लिए क्या किया, प्लांक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, देखो ठीक है, प्लांक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि भैया अगर आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम का लैम्डा जो है ना वो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना बच्चों, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, देखिए कौन सा है, ये कृष्णिका प्रयोग होता है इसको, ठीक है, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो यह विस्तृत परास, ठीक है ना, ब्रॉड रेंज, बहुत सारे अलग अलग लैम्डा, विस्तृत परास के तरंग दैर्ध्य की विकिरण ऊर्जा देता है, ठीक है, और ऐसा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों जो इस टाइप से विकिरण दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कृष्णिका कहते हैं, ठीक है, देख रहा हूं, यह है आदर्श ठोस, कौन सा बच्चों, जो क्या कर रहा है, विस्तृत परास की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित कर रहा है ना, देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, इसने क्या किया, कृष्णिका प्रयोग किया है, उसने क्या किया, एक ठोस ले लिया जिसको गर्म कर रहा है, तो क्या पता चला कि उससे ऊर्जा जो है ना विकिरण के रूप में उत्सर्जित होने लग गई, और हमने बोला कि विकिरण की एक तरंग दैर्ध्य होती है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य कैसे थी, उत्सर्जित ऊर्जा की बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में थी, विस्तृत परास में थी, ठीक है, इसलिए उसने क्या कहा कि ये ठोस कैसा है, आदर्श ठोस है, ये है आदर्श ठोस, जिसे क्या बोल रहे हैं,
कृष्णिका बोलते हैं, कृष्णिका बोलते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब ब्लैक बॉडी का मतलब काला शरीर नहीं है, ब्लैक बॉडी का मतलब काला शरीर नहीं है। कृष्णा का, कृष्णिका का मतलब क्या होता है? यह आदर्श ठोस डाली गई सभी ऊर्जा तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा तरंग दैर्ध्य अवशोषित करता है। समझिए इस बात को बच्चों, कई जगह पर क्या होता है, ब्लैक बॉडी के ऊपर कंफ्यूजन रहता है बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ब्लैक बॉडी क्या है, ये कृष्णिका क्या है, कई क्या समझते हैं कि ब्लैक आइटम, ब्लैक ठोस है वो ही ब्लैक बॉडी है। इसको काफी हद तक आप कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि कृष्णिका क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है, ऐसा एक आदर्श ठोस होता है जिस जो क्या करेगा, आने वाली सभी तरंगों को अवशोषित कर लेता। देखो सफेद कपड़ा क्या करता है, गर्मी कम लगती, इसका मतलब क्या है, वो विकिरणों को अवशोषित नहीं करता। जो आपके पास दृश्य प्रकाश है, सूरज की रोशनी है, दृश्य प्रकाश, उसमें सात तरंग दैर्ध्य के सात रंग होते हैं। सफेद कपड़ा उनको अवशोषित नहीं करता, इसलिए वो गर्म नहीं होता है, परावर्तित कर देता है। ब्लैक कपड़ा क्या करता है, सभी को अवशोषित कर लेता है, इसलिए बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, समझ रहे हैं? तो कृष्णिका से ब्लैक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वही है कि ऐसा कोई भी आदर्श ठोस जो दी गई सभी ऊर्जा तरंग दैर्ध्य को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, उसी को ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं। उसी पे प्लांक ने प्रयोग किया था और कहा कि ये क्या करता है, जैसे ही इसको ऊर्जा दी गई तो विस्तृत परास की तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को उत्सर्जित करता है। भैया जो लेगा वो तो देगा ही ना, तो अगर वो सबको ले रहा है ना, ध्यान देना, अगर सारी तरंगों को अवशोषित कर रहा है तो वहां तो बहुत सारे अलग अलग तरंग दैर्ध्य अवशोषित कर लिए उसने, तो सभी को क्या करेगा, वापस उत्सर्जित करेगा। तो ये बहुत अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जन करता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कृष्णिका कह रहे हैं। और ये कृष्णिका जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कृष्णिका विकिरण बोलेंगे। अब आप देखिए कि अगर फिर प्लांक ने क्या किया, इस प्रकार उत्सर्जित विकिरण का लैम्डा कम करने पर तीव्रता, इंटेंसिटी अधिक होती है, होती है, जो अधिकतम होने पर वापस घटती है। इसने क्या किया बच्चों, इसने क्या किया, एक तीव्रता जो तरंगों से उत्सर्जित की ना, कृष्णिका ने, ब्लैक बॉडी ने जो तरंगे उत्सर्जित की उसको क्या किया, लैम्डा के साथ तीव्रता का क्या किया, उसने एक ग्राफ बना करके देखा बच्चों, ध्यान देना। और वो ग्राफ कैसा आया, वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पे आप देखोगे तो अलग अलग आएगा। ये है आपका T1, ये है आपका T2, ये है आपका T3। तो इससे देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैंने लैम्डा को कम किया, इधर जीरो है ना, जैसे जैसे मैंने लैम्डा को कम किया तो देखो सभी टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, तीव्रता तेज हो रही है। और इस लैम्डा, एक फिक्स लैम्डा पर ये क्या है, अधिकतम है, ठीक है, अधिकतम है, उसके बाद ही वापस से घट रही है, समझ में आई के बाद। इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, वो उत्सर्जित ऊर्जा की जो विकिरण है कृष्णिका ने उत्सर्जित की है वो लगातार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर लगातार होती तो तीव्रता भी तो फिक्स रहती ना, ठीक है, समझ रहे हो, तो तीव्रता भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। लेकिन तीव्रता फिक्स नहीं है, इससे उसने क्या कहा कि वो जो उत्सर्जित विकिरण है वो क्या है, इस प्रेक्षण से व्याख्या की कि जो आपकी ब्लैक बॉडी है वो उत्सर्जित ऊर्जा को कैसे उत्सर्जित कर रहा है, विविध मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। व्याख्या क्या हुई है बच्चों,
ठीक है। देखो व्याख्या में आप कृष्णिका बोले ये कोई जरूरी नहीं है, किसी कण से उत्सर्जित ऊर्जा की बात कर सकते हैं। अतः किसी कण से उत्सर्जित ऊर्जा अनवरत कॉन्टिन्यूअस ना होकर विविक्त रूप डिसकंटिन्यूड होती है। ये प्लान फेंक दिया कि भैया वो जो ऊर्जा उत्सर्जित है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, टुकड़ों के रूप में है, डिसकंटिन्यूड है, विविक्त रूप में है, ठीक है। तो अभी प्लांक ने क्या किया है ये बात सिद्ध करने के लिए कि वो लगातार नहीं है, टुकड़ों के रूप में है, ये एक्सपेरिमेंट किया, कृष्णिका एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, समझ में आया क्या आप लोगों को। फिर उसके बाद में अपना प्लांक सिद्धांत के क्या दिए, पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, क्या दिए, पोस्टुलेट्स दिए। तो फिर देखो अब उसने क्या कहा, अब उसने क्या दिया है, अपना एक सिद्धांत दे दिया, ये तो सिद्ध कर दिया इसने कि भैया वो टुकड़ों के रूप में है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो प्लांक सिद्धांत के अनुसार अनुग्रह कौन सा क्वांटम सिद्धांत है ना बच्चों। फिर उसने क्या कहा, ये जो अब तक मैंने बात बताई है ना वो आपको ज्यादातर पूछी नहीं जाएगी, ये पूछ सकता है कृष्णिका क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सभी प्रकार की ऊर्जाओं को तरंगों को अवशोषित कर लेता है और विभिन्न परास की या बहुत वृहद परास की तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जित करता है, वही क्या है, ब्लैक बॉडी है। उसकी ऊर्जा कैसे उत्सर्जित होती है, विविक्त होती है या कंटिन्यूअस अनवरत होती, तो बोलेंगे विविक्त होती है। ये पता कैसे चला, कौन से गुण होते हैं जिनको हम तरंग की कणीय प्रकृति या विविक्त से पता कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और फिर उसने क्या दिया, अपना ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है ना। और उसने क्या कहा वो देखिए, देखना जरा, पहला पॉइंट, इसके अनुसार बहुत ध्यान से देखना बच्चों, है ना, बहुत ही अच्छे से समझना इस बात को कि अगर किसी भी बॉडी के द्वारा, देखना इसके अनुसार, किसी कण द्वारा या तो वो क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, अवशोषित कर रहा है या उत्सर्जित कर रहा है, क्या ऊर्जा, किसी कण द्वारा अवशोषित ऑब्लिक उत्सर्जित ऊर्जा, ध्यान देना बच्चों, विकिरण ऊर्जा बोल देता हूं मैं जहां, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। विकिरण ऊर्जा कैसी होती है बच्चों, विविक्त रूप में होती है, जो कंटिन्यूअस नहीं होती, अनवरत ना होकर के विविक्त रूप में होती है, ध्यान देना। किसी कण द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा अनवरत का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस ना होकर विविक्त रूप में होती है, ध्यान देना, डिसकंटिन्यूड जो, ध्यान देना बच्चों, जो ऊर्जा के छोटे पैकेट के रूप में होती है, ध्यान देना। उसने कहा कि वो विविक्त रूप में है, और वो विविक्त रूप क्या है, ऊर्जा के छोटे पैकेट के रूप में है, जो ऊर्जा के छोटे पैकेट के रूप में होती है, जिन्हें जिन्हें इसने क्या कहा, इसने जिन्हें इसने क्वांटम, पहले ये फोन इसकी क्वांटम कहा,
ये ध्यान देना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लान का मतलब क्या हो गया भैया, सीधे सीधे क्या हो गया प्लान का मतलब, कि अगर किसी बॉडी से आपको ऊर्जा मिल रही है ना, तो वो लगातार एक विकिरण के रूप में ऊर्जा नहीं है, वो क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ऊर्जा आ रही है। इसका मतलब सूर्य क्या कर रहा है हमारे ऊपर, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स की बरसात कर रहा है। समझ रहे हैं आप बोलेंगे सर कोई टुकड़ा कोई पैकेट आता हुआ तो दिखता नहीं, जैसे बाढ़ के हालात हो गए, लोग फंस के बाढ़ में, तो हेलीकॉप्टर से क्या करते हैं, खाने के पैकेट गिराते हैं ना, तो ऊर्जा तो गिर रही है उनके ऊपर पैकेट्स के रूप में, तो सूरज भी हमें ऊर्जा दे रहा है, तो कैसे देगा, छोटे छोटे पैकेट्स में बांटता रहता है। समझ रहे हैं आप बोलेंगे कि ऐसा दिखता तो है, तो बच्चों को क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है ना उस पैकेट की, वो बहुत ज्यादा है। आप लाइट के नीचे खड़े हैं, हैलोजन जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, तो वो भी जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है, वो हमारे सिर पे क्या गिर रहे हैं, उसके ऊर्जा के पैकेट गिर रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम कहते हैं। क्या गिर रहे हैं, क्वांटम गिर रहे हैं, ऊर्जा के पैकेट गिर रहे हैं। ये कहा किसने, प्लांक ने। जैसे ये पिस्तौल है ना, आपको गुंडों ने पकड़ लिया मान लीजिए, है ना, ये क्या है, पिस्तौल है, ये पिस्तौल है, और आपको गुंडों ने पकड़ लिया, ये फायर करेंगे इसमें से, तो क्या होगा, ये क्या है, एक बुलेट है इसमें से, ये एक बुलेट निकल के आई, एक गोली, फिर ये फिर से एक गोली मारता है, तो आपको मर जाएंगे, मरेंगे नहीं, आपने क्या कर रखा है, दीवार के पीछे छुपे हुए। तो हम क्या कर सकते हैं कि वहां से आने वाली गोली को गिन सकते हैं कि भैया एक गोली मारी है, दो गोली मारी है, लेकिन अगर इसने मशीन गन ले ली, मशीन गन ले ली है, ठीक है, मशीन गन ले ली है, मशीन गन ऐसी होती है, इस पे हंसना नहीं है, अगर इसने मशीन गन ले ली तो मशीन गन क्या करता है, बहुत ही स्पीड में गोली मारता है, तो क्या होगा, वो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कितनी गोलियां आई है, लेकिन आई तो क्या है, पैकेट्स ही आए हैं, गोलियां ही आई है, बस वही है कि जो हमारे पास स्रोत है ऊर्जा के उत्सर्जन का, जो हमें ऊर्जा दे रहा है, वो बहुत ही स्पीड में ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो हम उसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो ऊर्जा के पैकेट दे रहा है या कोई विकिरण आ रहा है, क्या हो क्या रहा है, लेकिन एग्जैक्टली प्लांक के अनुसार क्या रहे हैं, उसमें से छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट आते हैं, जिनको क्वांटम कहा है। और देखना बच्चों, प्रकाश के लिए इन क्वांटम को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, फोटोन कहते हैं। अब ध्यान देना क्या चीज बदल दी है हमने, इसने क्या कहा कि अगर आप प्रकाश की बात करोगे ना, सूर्य के प्रकाश की बात करोगे, तो वहां पे क्वांटम मत बोलना, वहां पे क्या बोलना, फोटोन बोलना, इसीलिए तो सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं बच्चों, फोटो एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोन ऊर्जा या फोटो एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ रही है क्या आपको बात, तो अगर आपको बोलेंगे सूर्य से आपके पास जो ऊर्जा आ रही है वो किस रूप में आ रही है, छोटे पैकेट के रूप में आ रही है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फोटोन, क्वांटम नहीं, क्वांटम बाकी सभी सोर्सेस के लिए हम बात करेंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश की अगर बात हो रही है तो आपको वहां पे फोटोन ही बोलना है। बोलो भैया बात समझ में आती है कि नहीं आती, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कि उसने इसकी ऊर्जा के बारे में क्या कहा, ठीक है। देखिए इसने कहा, सभी फोटोन बोले या क्वांटम बोले ना, क्वांटम की ऊर्जा, क्या सभी क्वांटम की ऊर्जा उनके आवृत्ति के समानुपाती होती है। देखना बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और यहां से आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस निकल के आएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज निकल के आएंगे, जिनको आप आगे काम में लेने वाले हैं। तो इसने कहा कि उस क्वांटम की, उस क्वांटम की मतलब उस ऊर्जा के पैकेट की ऊर्जा कितनी है, ई क्या है उसकी, न्यू के समान, तो क्या हो गया ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूं, और न्यू क्या हो गया आवृत्ति की बात कर रहा हूं। तो यही तो इसने कहा कि उस फोटोन की, उस क्वांटम की ऊर्जा जो है
उसकी आवृत्ति के समानुपाती। अब आवृत्ति, आवृत्ति तो विकिरण की होती है ना बच्चों, और हम तो इस पैकेट की बात कर रहे हैं, तो पैकेट की आवृत्ति क्या होगी, यही तो समझने की बात है कि ये जो विकिरण है वो कुछ नहीं है, एक दो तीन बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट ऐसे चल के आ रहे हैं। तो ये क्या है, टुकड़े भी है, छोटे छोटे कण भी है, और विकिरण के रूप में चल रहे हैं, तो दोनों रूप है इसके, ये टुकड़ों के रूप में है, इसीलिए स्पेक्ट्रम कैसा बनता है, विविक्त बनता है, यही तो प्लैंक साहब ने समझाया था, समझ रहे हैं? इसका मतलब हर ऊर्जा के कण के साथ में उसकी जुड़ी हुई तरंग दैर्ध्य भी है, आवृत्ति भी है, ऊर्जा भी है, क्योंकि अगर वो कणीय रूप तरंग के रूप में चल रहा है तो उसकी कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य भी होगी, आरंभिक तरंग दैर्ध्य है तो उसकी कोई ना कोई आवृत्ति भी होगी। यही उसने कहा कि उस छोटे क्वांटम की जो ऊर्जा है वो उसके संलग्न आवृत्ति के समानुपाती होगी। बोलो कहानी समझ में आ रही है, समझ गए क्या? अच्छा आप देखो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन आपके सामने करता हूं। देखिए इसी E directly proportional to, E directly proportional to nu को मैं क्या लिख सकता हूं, E equals to h nu लिख सकता हूं, ऊर्जा का दुनिया में लिखा जाने वाला फॉर्मूला है बच्चों, सारी दुनिया यही लिखती है, ठीक है, सारी दुनिया यही लिखती है, क्या ऊर्जा का लिखा जाने वाला सूत्र है ये, जहां पे h क्या है, h है प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक जिसकी वैल्यू कितनी है 6.626 × 10⁻³¹ जूल, ध्यान देना जूल जे लिखा है, या फिर 6.626 × 10⁻¹⁰ किलोजूल है बच्चों, दिस इज किलोजूल एंड 34 जूल, समझ में आ रही है कि आपको बात, तो एच कहां से आ गया उसको समझ लीजिए आप एक बार, ठीक है ना, ये है आपके इसकी वैल्यू प्रति सेकंड, प्रति सेकंड लिख लेना है ना, तो देखो ये समझ में आ गया क्या आपको। अच्छा देखो मैंने एक फॉर्मूला पहले से अपन ने पढ़ा था, किस पे, ईएमआर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि प्रकाश की तीव्रता क्या थी, लैम्डा डिवाइडेड बाय समयांतराल, समयांतराल क्या था 1/ν था कि नहीं था, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल्स टू लैम्डा न्यू भी लिख सकते थे, लिखा था हमने, है ना, तो न्यू क्या हो गया, तो न्यू क्या हो गया बच्चों, देखो न्यू इज इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा हो गया कि नहीं हुआ, तो ये चीजें आप जानते कि नहीं जानते, पहले से हम पढ़ रखे हैं, तो मैं इसको कहां पुट करता हूं, यहां पुट करता हूं, तो ई एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, सी ई इक्वल्स टू एच, और फिर मैं न्यू की जगह क्या लिखूंगा, सी ओवर लैम्डा, तो E equals to क्या हो सकता है, hc over lambda भी हो सकता है, h nu भी हो सकता है, देखो है मजा आया ना, देखो घुमा फिरा करके हम कहां की कहां ले गए इस बात को, समझ गए, तो ये है उस एक फोटोन की या एक क्वांटम की ऊर्जा E समानुपाती nu आवृत्ति, उसको हमने आप इसका नियतांक रख दिया, और nu और प्रकाश की तीव्रता और समय अंतराल में ये रिलेशन होते हैं, इनमें से न्यू की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, तो E equals to hc over lambda हमारे पास में आ गया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, ये आपके काम में आएगा, ठीक है। अब देखिए अब अपन बात करते हैं कि भैया टोटल एनर्जी कितनी होगी, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो कुल ऊर्जा किसी कितनी होगी, किसी पदार्थ से उत्सर्जित कुल ऊर्जा कितनी होगी, ध्यान देना क्वांटम की ऊर्जा के n गुना, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भैया देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊर्जा दे रहा है इसका मतलब क्या दे रहा है, छोटे छोटे क्वांटम दे रहा है, एक क्वांटम की ऊर्जा कितनी, E equals to hc over lambda, तो टोटल ऊर्जा कितनी होगी, कितने क्वांटम आ रहे हैं उससे गुणा कर दो ना एक क्वांटम की ऊर्जा को, तो टोटल ऊर्जा आ जाएगी, तो कितनी गुणा हो गई, एन गुणा हो गई, तो देखिए E equals to n hc over
लैम्डा हो गया, एच सी और लैम्डा आप जानते हैं, एन क्या है क्वांटम की संख्या, क्वांटम संख्या या फोटोन की संख्या आप अगर प्रकाश के केस में बात करते हैं तो। बोलो समझ में आई या नहीं आई, ये है इसका एन गुना, ठीक है क्या? तो इसी को आप अलग अलग फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसी को आप ले लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास सी और लैम्डा गिवन है तो आप ये फॉर्मूला रखिए, अगर आपके पास न्यू गिवन है तो आप क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ये रहा, इसमें एन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इसमें एन लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक हमने लिखा था न्यू बार, देखिए जरा मैं एक और चीज लिख रहा हूं, मैंने एन और एच और सी को तो डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन इस वन और लैम्डा की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये न्यू बार लिख दिया है, ठीक है, ऊपर ही आ जाएगा बच्चों, ऊपर ही आ जाएगा, न्यू बार लिख दिया। इसका मतलब क्या है, मैंने वन ओवर लैम्डा इक्वल्स टू न्यू बार कर दिया। हमने पढ़ा है बच्चों न्यू बार क्या है, न्यू बार क्या होता है, न्यू बार होता है आपके तरंग संख्या, तरंग संख्या पहले पढ़ रखा हमने, पहले पढ़ रखा है एक सेंटीमीटर तरंग की लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या कितनी है, उसी को तरंग संख्या कहते हैं। जो तरंग पहले का व्युत्क्रम था हमने पढ़ा था विक्रम में, EMR में पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने वन ओवर लैम्डा की जगह क्या लिख दी, न्यू बार लिख दिया। तो देखो ये क्या है, वन ओवर लैम्डा, इसकी जगह न्यू बार लिखा, तो इससे ये भी बन सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी यूज कीजिए, ये तो होगा कुल ऊर्जा का फॉर्मूला, आपको न्यू बार दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको बोलेगा कि 100 फोटोन है या 100 क्वांटम है और न्यू बार आपकी तरंग संख्या इतनी है, तो बताओ कुल ऊर्जा कितनी है। तो एन और न्यू बार रखो, सी भी क्या है, कांस्टेंट है, प्रकाश की तीव्रता 3 × 10⁸ होती है, एच आपके पास है 6.626 × 10³³ −31 जूल हो गया, −34 किलो जूल हो गया, है ना। आपको अगर आवर्ती दे रहा है तो आप ये यूज कीजिए, अगर आपको लैम्डा दे रहा है तो ये यूज कीजिए, कुछ भी यूज किया जा सकता है। तो ये क्या है बच्चों, देखिए समझ में आया कि नहीं आया, ये है उस टोटल किसी भी ऑब्जेक्ट से जो ऊर्जा आ रही है उसकी कुल ऊर्जा कितनी है, इक्वल्स टू एन एच न्यू एन एच सी ओवर लैम्डा एन एच सी न्यू बार, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और एन क्या है यहां पे, एन क्या है क्वांटम या फोटोन की संख्या, अगर आप प्रकाश की बात कर रहे हैं तो फोटोन की संख्या बोलेंगे, और किसी भी ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम बोलेंगे कि कोई ऊर्जा, कोई पदार्थ ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, इसको क्वांटम बोलेंगे। बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, समझ में आ गई क्या। चले तो फिर इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वांटम थ्योरी के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन करें और फिर आपको इसकी हकीकत पता चलेगी कि वाकई में इसका कहां उपयोग है, ठीक है। चलिए देखिए इसका पहला क्वेश्चन, देखिए कि कोई भी सोडियम लाइट है जिसका लैम्डा आपको गिवन है जूल्स में, उसका फोटोन और कुल ऊर्जा बताइए, ठीक है। देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, सोडियम प्रकाश जिसका लैम्डा आपको गिवन है कितना है, वो है 5.862 × 10⁻¹⁶ मीटर, ये लैम्डा है, ठीक है। सोडियम प्रकाश जिसका लैम्डा ये है के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। अब एक फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है बच्चों, ये यहां पे आप ध्यान रख लेना, है ना, इसलिए आप गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। और अब देखो हमने एक चीज लिखी है बच्चों, हमें पता है कि ऊर्जा क्या होती है, E is directly proportional to their आवर्ती, ठीक है, इसकी जगह मैंने एक कांस्टेंट रखा, और हमें क्या दे रहा है, लैम्डा दे रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, लैम्डा की फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रही है ये बात, फॉर्मूला कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन यहां हम कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं, लैम्डा का फॉर्मूला लेंगे बच्चों, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें लैम्डा की फॉर्म में ये
दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ए इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती। लैम्डा सीधा सीधा मीटर्स में आपको गिवन है। सी कितना होता है बच्चों, सी कितना होता है प्रकाश की तीव्रता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। एच ठीक है, एच देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है 6.626 × 10⁻¹। अब आप अगर इस ऊर्जा को जूल में निकालना चाहते हैं तो -34 इसका फॉर्मूले में रखिए, और अगर आप इसको किलो जूल में निकालना चाहते हैं तो इसको आप कितना रखेंगे, मैं जूल की बात करता हूं तो मैंने लिखा 34 जूल्स पर सेकंड। देखो यूनिट सब सेट है, पर सेकंड ये मीटर में है, ये जूल में एनर्जी है इसलिए, ठीक है ये मीटर में है क्योंकि हमने लैम्डा को मीटर में ले रखा है। क्लियर है क्या आप आज इतनी, ठीक है रखे वैल्यू इसको, ठीक है। देखिए एच की वैल्यू है 6.626 × 10⁻¹¹। ये रखा तो आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा क्योंकि एच की वैल्यू जूल में रखी, यहाँ पे -31 रखते तो आंसर किलो जूल में आता। इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.862 × 10⁻¹⁻¹। ये आ गया, अरे बड़ा सीधा सा है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया ये, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो आपको इसकी वैल्यू मालूम चलेगी। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में इसको आप गुणा भाग मत करने बैठ जाना, नहीं तो पंगा हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। आप इसको ऊपर लेके जाओगे 10^16 को, ठीक है। मैं पहले ये 10 की घात जो है उसको सॉल्व करता हूँ। ऊपर क्या है 10^-34 × 10⁸ / 10^-16। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो इस माइनस जो है वो किसको बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, मतलब 10^16 हो जाएगा। तो कितना हो गया 8 और 16 कितना है 24, तो इसको इससे काट दो क्योंकि माइनस में है, तो 24 और 34 कितना बच गया 10^-10। इसका तो पंगा खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 6 × 18 = 19.878 ये वाला रह गया हमारे पास 5.862 गुना ऊपर क्या आ गया था 10^-10 कर लिया था हमने, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया था ना, ठीक है समझ में आ गया। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आती है 3.38, इसको आप सॉल्व कीजिए कितना ही आएगा गुना 10^-10 क्योंकि ये ऊर्जा है तो जूल किलो जूल अर ये यूनिट्स होती है, और हमने पता है कि हमने प्लैंक्स कांस्टेंट जूल में रखा है तो एनर्जी भी किसमें आएगी जूल में आएगी। अब यहाँ पे पर सेकंड वगैरह की नहीं रखना है, जूल केवल ऊर्जा जूल में आती है। हाँ ये आप लिख सकते हैं कि प्रति फोटोन लिख सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ क्या पूछा है, उसके एक फोटोन की ऊर्जा पूछी है तो प्रति फोटोन हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं प्रति फोटोन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये चीजें समझनी है, आपके पास एक फॉर्मूला याद रखे, अब मैं इनको हटा रहा हूं। केवल एक फोटोन या एक कण की ऊर्जा पूछ रहा है तो E equals to h nu अगर आवर्ती दे रखा है, आवर्ती ना दे करके लैम्डा दे रखा है तो E equals to hc over लैम्डा हो जाएगा। टोटल पूछेगा तो n इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, E equals to h n h nu हो जाएगा, ठीक है। अगर लैम्डा में दे रखा है तो n h c over लैम्डा हो जाएगा, अगर न्यू बार में दे रखा है तो n h c न्यू बार हो जाएगा, ठीक है क्या। Hopefully आपको ये समझ में आ गया है। मैं एक क्वेश्चन आपको और इसका करा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैं एक और इसमें क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। ध्यान देना बच्चों, पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि आपको क्या पूछ रहा है, यही पे लिखूं कि इतनी दूर जाने की आवश्यकता पड़ती है। फोटोन जिसका लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम है, ऊर्जा तथा आवर्ती
पता कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊर्जा का तो E equals to hν वाला फॉर्मूला होता है, हमारे पास आवृत्ति सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हमें मालूम है कि प्रकाश की तीव्रता क्या थी बच्चों, लैम्डा ओवर टी थी, और टी क्या था, वन ओवर न्यू। तो मैं टी की जगह में अगर न्यू की वैल्यू लिखता हूं तो सी इक्वल्स टू एच न्यू था, तो न्यू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, न्यू क्या हो जाएगा इस हिसाब से, इस हिसाब से न्यू क्या हो गया, सी ओवर लैम्डा हो गया कि नहीं हो गया, ये वाली बात मुझे आप बता दीजिए। समझ में आई के लिए आ गई है ये वाली बात, समझ गए। अब आप देखिए, आप c की वैल्यू तो क्या है, प्रकाश की तीव्रता मीटर प्रति सेकंड में होती है, लैम्डा किस में दे रखा है, एंगस्ट्रॉम में। मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ है, एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर्स बताया हुआ है बच्चों आपको, ठीक है। तो आप इस लैम्डा को आप कन्वर्ट कर लीजिए किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम से, किसमें, मीटर में। तो कितना एंगस्ट्रॉम है, 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 की घात माइनस 10 से गुणा करके किसमें बदल दिया आपने, उसको मीटर में बदल दिया। समझ में आ गई क्या बात, बताइए बात समझ में आई कि नहीं। तो मैंने इसको क्या कर दिया है बच्चों, इसको बदल दिया है किसके अंदर, मीटर में बदल दिया है इसको, ठीक है। देखो ये तीन जीरो है, तो तीन जीरो को हटा करके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसकी घात माइनस 7 में बदल दूं क्या, तो इसको 4 × 10⁻⁷ मीटर भी तो लिख सकते हैं ना, है, समझ रहे हैं बात। देखिए अब न्यू की वैल्यू देखिए, प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और लैम्डा कितना आ गया हमारा, 4 × 10⁻⁷ आ गया। अब मुझे बता दीजिए आप कि ये भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, और ये क्या है, मीटर में है, तो मीटर से मीटर कैंसिल और प्रति सेकंड रह जाएगी तीव्रता की इकाई, है ना, देखना जरा। इसको मैं 10 की घात माइनस 7 ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की घात 7 हो जाएगी, ठीक है। तो 10 की घात 8 फिर गुणा 10 की घात 7, दोनों प्लस में है, आधार समान है, तो कितना हो गया मुझे भी बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कितना हो गया, 10 की घात 15 हो गया कि नहीं, इसको ऊपर ले जाऊंगा चाहिए, 10 की घात 15 हो गया, तो 3 / 4 × 10⁵, बोलो बच्चों हुआ कि नहीं हुआ। और आप इसको सॉल्व करेंगे ना पूरा, तो आपको ये आएगा 7.5 × 10⁴, कितना आएगा, 7.4 × 10⁴ प्रति सेकंड न्यू। एक जो ये यूनिट है ना बच्चों, ये निकालना सीख जाइए। ये देखिए क्या है, प्रकाश की तीव्रता मीटर प्रति सेकंड है ना, और लैम्डा किस पे आया, मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, ये प्रति सेकंड है, तो ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स, यूनिट क्या आएगा, सेकंड इनवर्स आया कि नहीं है बताइए प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। आपको क्या पूछ रहा था, आवृत्ति भी पूछ रहा था, आवृत्ति निकाली, अब इसकी ऊर्जा निकाल लो ना, कहां दिक्कत है। तो अब इसकी ऊर्जा कैसे निकालेंगे, E equals to, हमारे पास आवृत्ति भी है, लैम्डा भी है, किसी से भी निकाल लो, मैं आवृत्ति से ऊर्जा निकाल सकता हूं। E equals to h nu था कि नहीं था, h कितना होता है, 6.626 × 10⁻³⁴ करेंगे तो यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी ना, जूल प्रति सेकंड में होता है, −34 किलो जूल होता है, तो −31 कर देते हैं इसको। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास, nu की वैल्यू कितनी है, देखिए 7.4 × 10⁴। देखो समझ में आई कि नहीं आई, अब देखना जरा, मैं इसकी यूनिट भी आपको समझाऊंगा। ये देखो ये माइनस में ये प्लस में कितना बच गया, 20 बच गया ना, 10 की घात −20 बच गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6.626 × 7.4 × 10⁻²⁻¹⁰। तो एनर्जी कितनी आई, अगर आप इसकी टोटल वैल्यू एनर्जी की देखेंगे तो ये जो वैल्यू है बाय द कैलकुलेशन यू फाइंड दिस वैल्यू इज 4.96 × 10⁻¹⁹ 4.96 × 10⁻¹⁹ तो देखना बच्चों ये भी प्रति सेकंड है, देखो ये ऐसे है, जूल बटा सेकंड गुणा सेकंड इनवर्स, इसको आप ऊपर ले करके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा ये प्लस में है अभी, ये माइनस में है,
कैंसिल कर दो, क्या बच गया, जूल बच गया ना, तो यूनिट क्या हो गई, जूल। बोलो आपको समझ में आती कि नहीं आती बात, ठीक है? तो क्योंकि एनर्जी है तो जूल में होती है, तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये है इसका क्वेश्चन। तो आपको यहां पे क्या कर सकता है, टोटल भी एनर्जी पूछ सकता है कि भैया कितनी कुल ऊर्जा है, और कुल ऊर्जा का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया कि क्या होता है। यहीं पे आपको पूछता कि भैया मेरे पास फोटोन कितने आ रहे हैं, 10^10 फोटोन है, तो उनकी कुल ऊर्जा निकालो। कुल ऊर्जा देखना जरा, ऊर्जा का फॉर्मूला ये है मेरे पास, तो मैं क्या करता है, इसमें कुल फोटोन की संख्या को लिख देता, तो कितना हो जाता, 10^10 गुना एच की वैल्यू और न्यू की वैल्यू रख देते। अभी हमने ये तो सॉल्व कर लिया, ये बचा है, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, कुल ऊर्जा इक्वल्स टू एन इंटू एक फोटोन की ऊर्जा। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी रख सकते थे बच्चों, ठीक है ना? तो एन कितना है, 10^10 गुना एक फोटोन की ऊर्जा कितनी आ रही है, 4.96 इंटू 10^10, तो -19 जूल आ रही है। देखो ये -19 है, ये प्लस का 10 है, तो -9 बच जाएगा, 4.96 इंटू 10^-9 जूल बचेगी। कुल ऊर्जा कितनी आ रही है, ये आ रही है, ठीक है? तो आप ये वाली जो वैल्यू है वो यहां से भी निकाल सकते थे, यहां पे n लगा देते, n की वैल्यू मैंने दे दी, 10^10 फोटोन है, कुल फोटोनों की संख्या n आ गई, n h नु करते और ये वैसे आ जाता, या इससे भी हमने निकाल लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? अब इस कुल ऊर्जा से आपको आवर्ती निकलवाता है तो आप वो भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको फोटोन की संख्या भी निकलवाता है तो भी आप पता कर सकते हैं, कुछ भी चीज इससे निकाली जा सकती है, ठीक है? तो देखिए आपको पूछ लेगा कि भैया इतनी कुल ऊर्जा है तो बताइए कितने फोटोन उसके अंदर है, है ना? देखना जरा, आपको कुल ऊर्जा दे देगा और फोटोन की संख्या पूछेगा लैम्डा दे करके, है ना? आपको दे दिया लैम्डा, दे दिया मान लीजिए, और आपको क्या दे रहा है, कुल ऊर्जा दे रहा है। ये देखो ऊर्जा की वैल्यू दे दी और लैम्डा की वैल्यू दे दी, तो हमारे पास लैम्डा की फॉर्म में फॉर्मूला क्या था, कुल ऊर्जा का एन एच सी ओवर लैम्डा था कि नहीं था, ठीक है? देखो लैम्डा इसने दे दिया, सी हमें मालूम है, एच हमें मालूम है, ई की वैल्यू इसने दे दी, तो क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, है ना? एन क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाय एच सी इनटू लैम्डा हो जाएगा। ये लीजिए कुल फोटो, तो आपको दे देगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली कुल ऊर्जा कितनी है, इतनी है, और उसकी तरंग दैर्ध्य इतनी है, तो बताओ उसमें कुल कितने पैकेट आ रहे हैं छोटे छोटे, तो आप पैकेट की संख्या निकालेंगे एन ऐसे करके। समझ में आ रही है ना बात? तो आप ऐसे घुमा फिर आपको पैकेट की संख्या, उसकी तरंग दैर्ध्य, उसकी आवृत्ति, कुल ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस की नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से पढ़िए, फिर अपन इसी कड़ी को आगे जोड़ेंगे और आगे जो अगला टॉपिक आएगा जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आने वाला है अगले क्लास के अंदर, जो इंपॉर्टेंट बोहर मॉडल है उसके अंदर हम बात करेंगे, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब तक के लिए मिलते हैं।